हमारे बीच आज पधारे आदरणीय सुनील जी, सुनील कुमार आजाद, आपका इस युवा मंडल में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज आप हमारे बीच आए हैं। पटना के स्टेट बैंक के आप सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं, हमारे बीच आप पधारे हैं। निश्चित रूप से अपना बहुमूल्य समय आपने दिया है, इसके लिए आपको हृदय से हम सभी युवा भाई आपका धन्यवाद करते हैं। हम लोग जिस कार्यक्रम, जिस अभियान से जुड़े हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है, अपनी प्रतिभा का विकास, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा का विकास। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ ऐसी प्रतिभा होती है जिसको अगर पहचान ले और पहचान करके अपने प्रतिभा का विकास करे तो निश्चित रूप से उसका विकास संभव है। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं, आईपीएस कई लोग बनते हैं, अपने यहाँ भी बनते रहते हैं। कोई जिला में कोई आईपीएस गया, कोई जानता तक नहीं है कि अभी वर्तमान जिला में कौन एसपी बन के आया है। कोई एसपी ऐसा बन के जाता है जो पूरे जिले के लोग जान जाते हैं कि साहब एक ऐसा एसपी जिला में आया है कि पूरे जिला को कंट्रोल कर दिया है। एक एसपी गया, पहले भी एसपी थे, सेम पढ़ाई, पढ़ाई तो दोनों का सेम ही हुआ होगा, दोनों उसी सिस्टम से वहां पहुंचे होंगे, लेकिन पहले वाले को किसी ने नहीं जाना, उनको जान गया। क्यों जान गया भाई? एक एसपी गया, लोग निराशा की बात करते हैं, उनको वही टीम मिला जो टीम उनके पास पहले था, वही सिपाही मिला होगा, वही पूरे जिला का दरोगा मिला होगा, वही डीएसपी मिला होगा, उसी टीम से उनको उस जिला का विकास करना था, क्राइम कंट्रोल करना था, और ऐसा बेहतरीन काम कर देते हैं कि उनका नाम हो जाता है कि फलाना जिला में अभी ऐसा एसपी आया है कि साहब पूरे जिला का उसने क्राइम कंट्रोल कर दिया। कैसे किया? यहां तो लोग कहते हैं एक अकेला चना क्या करता है, वो तो एक ही गया और वही टीम जो पहले बदनाम था उसी टीम को लेके उसने अपने आप को इतना बेहतर कर दिया। ये हर इंसान के भीतर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है। आज के जमाने में इस बात से हम सहमत नहीं हो सकते कि एक व्यक्ति चाह के कुछ नहीं कर सकता है। चाहत अगर हमारी मजबूत है, चाहने की शक्ति में हमारी ताकत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सब पुराना जमाने की बात हो गई कि अकेले हम क्या करें, हम चाहते तो हैं लेकिन हमसे कुछ नहीं हो पाता। ये आज के जमाने में ये नियम लागू नहीं होता है। आप जिस बिहार में बैठे हो, इसी बिहार में आप कितनी बार सुन चुके हो, एक आदमी संकल्प ले लेता है, वो कहां से डिग्री धारी था मुझे पता नहीं, कैम्ब्रिज से डिग्री लिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया था मुझे जानकारी नहीं। आप ही के बिहार का एक व्यक्ति संकल्प लेता है कि हम इस पहाड़ को काटेंगे, ये पागल का ही काम था ना। कोई कहे कि हम पहाड़ काटेंगे और रास्ता बनाएंगे, है साहब समाज ने उसको क्या कहा होगा? आओ माला पहनाते हैं, आओ आओ बहुत अच्छा काम करो, माला पहन लो, क्या कहा होगा? उस पर फिल्म भी बना है, कभी देख लीजिएगा। क्या नाम है फिल्म का? माउंटेन मैन है। वो गया पहाड़ काटना शुरू कर दिया, लोगों ने क्या कहा, दुनिया ने क्या कहा, हमारे कौन कौन से किन लोगों ने क्या कहा, वो अपना काम करते चला गया, करते चला गया, और आज वो माउंटेन मैन के नाम से फेमस हो गया। मुख्यमंत्री अपना कुर्सी छोड़ के उनको बैठाए, आमिर खान उन पर फिल्म बना दिए, आज वो माउंटेन मैन के नाम से मरता तो सब है लेकिन आज मरने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का हम और आप नाम ले रहे हैं, इतिहास में व्यक्ति अमर हो गया। एक अकेला, ये संकल्प की ताकत है। अगर इंसान संकल्प ले ले कोई अच्छा सा, मजबूती सा, ये काम हम करेंगे, अपने जीवन में सफल होंगे, तो निश्चित रूप से वो जहां भी रहेगा अपने जीवन में सफल होते हुए चला जाएगा, अपने जीवन को शानदार बनाते हुए चला जाएगा। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। अध्यात्म को हमने बड़े छोटे रूप में लाके खड़ा कर दिया है, बहुत छोटे, बहुत संकीर्ण रूप में। किन रूपों में? अध्यात्म का हमने मतलब निकाल लिया भगवान को दिया जलाना, अध्यात्म का हमने मतलब दिखा दिया मुट्ठा का मुट्ठा अगरबत्ती दुर्गा माता को जला के नाक में उसका धुआं दिखाना। अभी नवरात्र आ रहा है, एक अगरबत्ती भी जल सकता है, लेकिन हम लोग बिहारी हैं, एक से काम कहाँ चलता है, मुट्ठा का मुट्ठा धुआं सुंघाया जाता है। लीजिए सुंघिए थोड़ा, आपको भी अगर इतना मुट्ठा जला दिया जाए और आपके नाक में सुंघाया जाए, लाओ भैया आ जाओ थोड़ा सुंघाते हैं तुमको, क्या बात करते। हमने अध्यात्म को समाप्त करके बर्बाद कर दिया। अब कहते हैं साहब अध्यात्म लाभ नहीं देता, अध्यात्म तो एक विज्ञान था, एक साइंस था, अच्छे इंसान बनाने का विज्ञान था। जिस अध्यात्म से जुड़ के आप कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप कहते हो मैं बड़ा जानकार आदमी हूं, मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये वो सब जानता हूं। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि सब जानते हुए भी परेशान है बेचारा, फ्रस्ट्रेशन में। मैं दिल्ली गया निशांत रंजन के साथ, यूपीएससी का, बहुत सारे लड़के वहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच हमारे हमको लेक्चर देना था। मैंने कहा सबसे कमजोर आदमी उसमें हम ही थे, मंच पर
हमारे साथ जो थे वो गौरव अग्रवाल जी थे, 2014 बैच के जो आईएएस टॉपर थे वो थे मंच पर, डॉक्टर सुदर्शन जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो थे, और एक दो और विद्वान लोग थे। उसमें सबसे कमज़ोर विद्वान बिहारी विद्वान कह लीजिए, छोटे लेवल का एक हम ही थे। मैंने कहा बड़े बाप, इतने बड़े बड़े लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ मैं क्या बोलूँगा इन यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों को। लेकिन मैंने पूरी प्रैक्टिकल बात की, मैंने कहा ये बताओ साहब आपको अपने ज्ञान पर कितना घमंड है। मैं आपके ज्ञान से प्रभावित हूँ कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के ज्ञान से प्रभावित हूँ? भारत का एक ऐसा ज्ञानी अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, इतना बड़ा वैज्ञानिक, मैंने उनकी कई किताबों को पढ़ा है भाई। मैं अग्नि की उड़ान से लेकर तेजस्वी मन तक मैंने पढ़ा। जो अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक मुसलमान होते हुए गीता का पाठ करते थे, ध्यान करते थे, तो वो तो पिछड़े नहीं कहलाए। उनका बैकवर्डनेस तो उनकी उनके ऊपर ही ठप्पा नहीं मार दिया, अच्छा कलाम जी आप भी गीता वोता पढ़ने लगे, आप तो धार्मिक हो गए, क्या बात करते हो साहब। हमारा साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी, भारत का अध्यात्म इतना शानदार था कि कभी हम पूरे दुनिया के अगर जगत गुरु थे तो हम कीर्तन गा के जगत गुरु नहीं बने थे, हम हरि भजन गा के जगत गुरु नहीं बने थे। भारत पूरे विश्व को कभी अगर ज्ञान देने का काम किया था तो ये भारत अपने ज्ञान के बल पर जगत गुरु बना था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जमाने में 3 विश्वविद्यालय भारत का नामी यूनिवर्सिटी, उस समय 2 विश्वविद्यालय कहां था? आपके बिहार में था, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां से पूरी दुनिया के लोग ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। सारे संसार को के लोगों को हमने ज्ञान दिया है, आज वो सब तहस नहस हो गया है। हम न जाने किस जमाने में भटक रहे हैं। मैं दिल्ली गया, एक निशांत रंजन जी थे, एक प्रोफेसर साहब से भेंट हुआ, हम उनके कमरे पर गए, मकान, मैं मकान तो नहीं कह सकता, वो महल था, मकान नहीं, महल। जब उस महल में मैं प्रवेश किया, इतना पैसा कमाया था, इतना पैसा साहब, मुझे जानकारी मिली थी कि 7 बड़े महल ये बनाए हैं अभी, 7। एक उनका जयपुर में महल था, दिल्ली में 2 महल था, बॉम्बे में था, पूना में था, और न जाने कहाँ कहाँ था। तो हमने सोचा क्या बात है साहब, ये तो बड़े खुश होंगे, भीतर से गदगद होंगे। हम मंदिर में कह रहे हैं भगवान की साक्षी में, जब हम लोग उनके पास पहुंचे, बड़े निराश हताश, तो जो हमको ले गया था वो कहा भैया थोड़ा टेंशन में रहते हैं ही। मैंने कहा क्या बात करते हो, मैंने कहा क्या बात करते, इतना माल, इतना सत सत को महल खड़ा करने वाला व्यक्ति टेंशन में, हमारा बिहारी टेंशन में रहे तो मान सकते हैं, हैं? बेचारा चौकी पर लॉज में सो रहा है, कब रात में गिर जाएगा पता नहीं, हैं? लेकिन इतना माल वाला आदमी, इतना पैसा वाला आदमी आखिर इतना टेंशन में क्यों रहता है। जब नजदीक पहुंचे तो पता चला इन्होंने पूरी ताकत लगा दी धन कमाने में, और दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा। स्थिति यह हुआ कि उनकी पत्नी ने ही उन पर केस कर दिया और 6 मकान कब्जा कर लिया। बात साहब ऐसा भी होता है, यह मैं पहली बार जाना, यह भी होता है और ऐसी भी संभावना है। माफ करिएगा, यहां अध्यात्म किया, मैं भौतिकता का विरोधी नहीं हूं, खूब धन कमाइए, भारत कभी भौतिक जगत में भी बहुत आगे था, लेकिन आज भौतिकता के साथ साथ जब मैं लोगों को परेशान देखता हूं, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, तो देखता हूं साहब कैसे इसका समाधान क्या है। हमारे युवा मंडल में कई लोगों को नौकरी मिलता है, कोई रेलवे में जाते, कोई बैंक में जाते, कोई कहीं जाते, कोई कहीं जाते। हमारे यहाँ जब जिनको नौकरी मिल जाता है वो सफल हो जाते हैं, हम लोग उनको भी टीका, चंदन, फूल, माला सब पहनाते हैं। बलि का बकरा है बेचारा, वो है नौकरी नहीं मिला था, बहुत परेशान था, जब भी उससे मिलते थे क्या हाल है भैया, बहुत टेंशन में है, 3 साल पटना में हो गया, अब क्या करे। नौकरी मिल गया, हमारे यहाँ कितने लोग 2 साल के बाद जब हमारे बीच आता है, भैया क्या हाल है, ठीक नहीं है भैया, काहे भाई, रेलवे में नौकरी लगा था, गार्ड की नौकरी लगा था, अब तो माल आ रहा होगा, खुश हो जाओ। अरे भैया साउथ में ठेल दिया है। अरे क्या बात करते हो भाई, अरे हमारा ये भोला भोला बचवा सब कहीं ठेलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आप ठेला गए हो फिर भी परेशान हो। माफ करिएगा, मैं तो कभी कभी सोचता हूं आखिर ये इंसान सुख, इसको सुखी जीवन मिलेगा कहां, ये चंद्रमा पर भी पहुंच जाएगा, पूछेंगे क्या हाल है, ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है, है? अरे भाई मेरे, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सोचो, कहां जाना है, कहां सुख, नहीं साहब ये तो धर्म है, कीर्तन भजन, किसने कह दिया कीर्तन भजन, जब हम गायत्री परिवार से जुड़े पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो हम भी देखते थे साहब गायत्री वाला पीला धोती कुर्ता पहन के घूमता है, हम सोचते थे अच्छा ये साहब पीला धोती कुर्ता वाला ही तो पुजेरी लोग है,
पूजा से क्या होगा, समाज का कल्याण होगा क्या, पूजा से लोग बदलते हैं क्या? बिल्कुल बदलते हैं, मैं चैलेंज करता हूं। और आज हजारों नहीं लाखों नौजवान बदला है इसी बिहार में, अपना सोच बदला है, चिंतन बदला है, चरित्र बदला है। अगर ये नहीं बदलता तो ये बिहार का लड़का, यही बिहारी गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करता है। सरकार तो यहां पैसा दे रही है 17,000 एडहॉक वाला टीचर को, है ना भाई, कितना है 17,000 हाँ 16-17 हजार मिलता है, 17,000 टीचर को मिल रहा है पढ़ाने के लिए। और टीचर पहुंच रहे हैं स्कूल में और टीचर कहते हैं 17,000 में कितना पढ़ाएं। और हमारा ये भाई लोग, 1 रुपया नहीं मिलता है, 2 घंटे का समय दान करता है और बच्चों को इतना ट्रेंड कर दिया है कि जब मैं इनके कार्यक्रम में जाता हूं, बाल संस्कार शाला का, छोटा छोटा बच्चा, छोटी छोटी लड़की, स्लम की लड़की हमको अभी समझा रही थी किस कार्यक्रम में, अभी कहाँ कौन जगह था, रामपुर में एग्जीबिशन लगा था, वहां वो छोटी छोटी बच्ची, स्लम की बच्ची, मैंने पूछा मम्मी क्या करती है, तो मम्मी बर्तन मांजती है, और वो लड़की हमको एग्जीबिशन समझा रही है। मैंने कहा क्या बात है, इसको ट्रेंड किसने किया, इसको ट्रेंड इन्हीं भाइयों ने किया और ये निःशुल्क कर दिया, इनका डिवोशन काम किया, इनके अंदर का डिवोशन काम किया, क्या परिवर्तन नहीं होता है? अध्यात्म इसका नाम है, अध्यात्म इसका नाम है। अगर ऐसा अध्यात्म हमारे देश को मिल जाए जो हमारे कर्म को, आपका कर्म क्या है, पढ़ना, क्या ईमानदार हो अपने कर्म के प्रति? अगर अध्यात्म से जुड़ने के बाद हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हो गए तब तो हमारा अध्यात्म सही है, और नहीं तो आप जो अध्यात्म पकड़े हुए हो वो डुप्लीकेट अध्यात्म है, फर्जी अध्यात्म है। ये अध्यात्म बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, आप निराश हो जाओगे अपने जीवन में। हमें ऐसी भगवान की उपासना कर। स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्से में आ गए, स्वामी विवेकानंद एक बार इतने गुस्से में आ गए, देश गुलाम था, अंग्रेज यहां शासन कर रहा था, देश को आजादी चाहिए, लेकिन नौजवान लोग और लोग देश की आजादी के बदले रामायण पढ़ रहे थे। कोई कहता था देश को आजाद करो, स्वामी विवेकानंद इतने गुस्से में आ गए। मैंने उनके किताब में पढ़ा कि एक बार उन्होंने बयान दे दिया कि अगर भारत का विकास चाहते हो, भारत की उन्नति चाहते हो, भारत की तरक्की चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए ये जितने देवी देवता हैं इनको समुद्र में डाल दो, भारत का विकास हो जाएगा। लोगों ने कहा क्या बात करते हैं, विवेकानंद का दिमाग लगता है ढीला हो गया, देवी देवता को कहता है समुद्र में डाल दें। विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा? देश गुलाम था, अंग्रेज को भगाना था, लेकिन यहां के लोग क्या कहते थे, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, कुछ मत करिए सब भगवान कर लेंगे। क्या बात करते हो भाई, ये ऐसे होता है क्या? और इस तरह के धर्मों को हमारे यंग जनरेशन ने मानने से इनकार कर दिया, और जब वो मानने से इनकार कर दिया तब आज का जनरेशन कहता है कि साहब युवा तो भटक गया है, आप ठीक करके दिखा दो, आपकी हिम्मत है तो ठीक करके दिखा दो। माफ करना, ठीक करने का कुवत भी युवा को अपने अंदर से ठीक करना पड़ेगा। ध्यान करने से, उपासना करने से, गायत्री मंत्र करने से क्या होता है, भगवान है कि नहीं है, भगवान आते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है हमको अपने आप को अच्छा बनाने का संकल्प हमारे भीतर से जगता है। और अगर हमारा मन अच्छा होने लगे, संकल्प अच्छा होने लगे, तो हमारा पढ़ाई कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा? यहां तो चैप्टर खोले हुए हैं और मोबाइल पर ध्यान लगा हुआ है, कहीं मैसेज आया कि नहीं आया साहब, हैं क्या हुआ, हैं माफ करना, इसका नाम अध्यात्म, ऐसा अध्यात्म। आज का युवा, आज तो पता ही नहीं है कि वो युवा है कि नहीं बेचारा, अगर जांच रिपोर्ट निकाला जाए तो पता चलेगा 90% फेल हो गया है, आधा बाल उड़ा लिया है, आधा बाल रखे हुए है। एगो नया फैशन देख रहे हैं आजकल पटना में, आप लोग हमसे ज्यादा देखते होगे चूंकि घूमते रहते हो, आधा ऐसे उड़ाए हुए है, आधा रखे हुए है। मैंने कहा इनका, इनको जाना कहाँ है पहले पूछ लो भाई, ये कहाँ जाएंगे, ये रेलवे में ढुकेंगे कि बैंक में ढुकेंगे, कहाँ ढुकने के जुगाड़ में लगे हुए, ये कहीं नहीं ढुकेंगे, इनसे मुर्गा फार्म भी नहीं चल सकता। माफ करिएगा, इसी प्रतिभा के विकास का नाम अध्यात्म है, और इसी अध्यात्म